सब्सक्राइब कीजिए नेगा न्यूज को और बेल आइकन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, क्या धोनी पर भी लगेगा फेक फील्डिंग के आरोप के तहत जुर्माना? मैदान पर कुछ ऐसा करते हैं माही। आईसीसी ने नया नियम लागू कर दिया है जिसके मुताबिक फेक फील्डिंग करने पर उस टीम पर आईसीसी के 41.5 नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा और दूसरी टीम को 5 रन एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। आईसीसी के ये नियम लागू करने के 24 घंटे के भीतर ही यह नियम अमल में भी आ गया जब ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने गेंद न पकड़ पाने के बावजूद भी ऐसा दिखाने की कोशिश की कि उसने गेंद पकड़ ली है और थ्रो कर दिया, जिसके बाद उस खिलाड़ी ने अंपायर से शिकायत की। अंपायर ने उस टीम को 5 रन अतिरिक्त दे दिए। इस नियम की कई लोग आलोचना भी कर रहे हैं तो कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन क्या इस नियम की वजह से महेंद्र सिंह धोनी भी दंडित किए जा सकते हैं? इस मुद्दे पर बहस हो रही है। धोनी क्या करते हैं? धोनी को कीपिंग में महारत हासिल है। धोनी ने कीपिंग में अपने ही नियम ईजाद किए हैं। ऐसा ही एक और कारनामा है जो धोनी करते हैं। दरअसल धोनी स्टंप के पीछे जब कोई खिलाड़ी गेंद फेंकता है और विपक्षी बल्लेबाज रन लेने के लिए दौड़ रहा होता है, तब धोनी गेंद पकड़ते नहीं है बल्कि उस गेंद को दिशा दे देते हैं और गेंद स्टंप में लग जाती है, जबकि बल्लेबाज को लगता है कि धोनी पहले गेंद पकड़ेंगे फिर स्टंप में मारेंगे। धोनी का जिक्र कैसे हुआ? दरअसल इस नियम का कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं तो बहुत से लोग विरोध कर रहे हैं। इन्हीं में से एक आलोचक हैं भारत के पूर्व खिलाड़ी संजय मांजरेकर, जिन्होंने इस नियम की आलोचना की। उन्होंने ट्वीट किया कि जिसको आईसीसी चीटिंग का नाम दे रही है वह दरअसल ट्रिक है। इसके बाद एक स्पोर्ट्स पत्रकार ने इस नियम की तारीफ की और इसे खिलाड़ी की चीटिंग करार दी, जिसके बाद मांजरेकर ने कहा, ऐसे तो धोनी को भी जिस ट्रिक की वजह से वाहवाही मिली उसे भी चीटिंग करार दिया जाएगा। मांजरेकर ने इस नियम की आईसीसी से भी आलोचना की और उसे ट्वीट किया, अब देखने वाली बात होगी क्या आईसीसी इस नए नियम पर विचार करती है या नहीं।